ये है कैनियनस वल्गारिस। ये पौधा सिर्फ ग्रैंड कैनियन में पाया जाता है। वनस्पतियों का वर्कशॉप, भाई मजा आ गया। सैलड, थोड़ी भूख तो वैसे ही लग रही है मुझे। ओह नहीं, तुम वनस्पति खा गए, असंस्कारी शेरू। कोई बात नहीं मैडम, हम बाहर जाकर ले आते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। खतरनाक कैदी को शहर में ट्रांसफर करने से पहले यहाँ आराम करने का फरमान दिया गया है जेलर साहब। मेरे जेल में आपका स्वागत है खूंखार कैदी, वेलकम। आओ। मिस लूसी, बैंक रॉबर। ये क्या है? यकीन नहीं होता, तुम दोनों बहने हो? हम बहने? कभी नहीं। मुझे डबल दिख रहा है, शायद सलाड की वजह से। अगर मैं और सलाड खाऊं तो ट्रिपल दिखने लगेगा, देखते हैं। हम दिखते सेम हैं, लेकिन हमारे संस्कार बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, फूलों के बीच एक कांटा उगना कितनी बुरी और गलत बात है। हाँ, सही कहा, ये हमारी तरह बंदूक की नोक पर बैंक नहीं लूट सकती। क्या इसका मतलब कि मेरे माँ और पापा डाकू थे, लेकिन मेरे संस्कार अलग हैं, काफी अलग हैं। अब अगर इजाजत हो तो मेरा संस्कारी वर्कशॉप चालू है। एक मस्त वाला आइडिया आया। अगर बहनों की अदला बदली हो जाए तो नई बहन की मदद से हम बाहर निकल सकते हैं, जैसे दुर्लभ वनस्पतियाँ लाने के लिए। क्या कहते हो? लेकिन कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो मिस बैठी है। मैडम, मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है। मेरी बहन की जगह लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो तैयार, सुला देने वाली जड़ी बूटी। तुम डाल्टन्स के साथ बाहर जाकर वनस्पतियां लाना चाहती हो? जी हाँ, मिस बेटी की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार है, क्यों भाइयों? अब चलो भी जेलर साहब, हम बस यूं गए और यूं आए, साइन कर दो ना प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो ले जाओ डाल्टन्स को, लेकिन बुक रीडिंग वर्कशॉप के बाद। क्या कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता? वर्कशॉप की तैयारी बाकी है, हम इनकी मदद करते हैं जेलर साहब। और इसीलिए छोटा लाल अपने खाने की पोटली और शरबत का ग्लास लेकर जंगल में चला गया। वहाँ उसको मिला एक भेड़िया जिसे लगी थी बहुत भूख, और उसने किया। खत्म करो, चलते। लेकिन भाई, अभी तो चालू किया है। खत्म कर। और छोटा लाल ने भेड़िये को अपने बाएं हाथ से हरा दिया। कहानी पसंद आई? ठीक है, ये कहानी एक महारानी की है जो एक बॉक्सर थी। आज के लिए तुम्हें वनस्पति लेने जाना है तो ताजा हवा खाकर आओ जाओ। रुकिए, पकड़िए इसे, असली संस्कारी मिस बेटी मैं हूँ। झूठ मत बोलो, असली मिस बेटी मैं हूँ। मैं हूँ मिस बेटी, मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कौन क्या है। अरे शांत हो जाइए मोहतरमा। मिस बेटी और उसकी डुप्लीकेट झगड़ रही है, सलाड खाना बंद करना होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। ये। और देखो शेरू ने नकली मिस बेटी को काट लिया है, देखो। क्या? नहीं नहीं नहीं, शेरू तो हर वक्त बकवास करता रहता है, तुम जानते हो ना। मिस बेटी शेरू के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेंगी, पकड़ो इसे। लेकिन मैं कह रही हूँ असली मिस बेटी मैं ही हूँ, मैं हूँ। तो मैडम, वनस्पतियाँ लेने के लिए हम लोग बाहर चले। काट से हमें पीछा छुड़ाना होगा।
वापस मिस लूसी बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आजादी मिल गई, जल्दी बैंक लूट के सेलिब्रेट करते हैं। कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, हाथ ऊपर। तुम? लेकिन कैसे? ओह, परिवार के कुछ संस्कार मुझ में भी है। बंदूक को सही वक्त पर कब उठाना है ये मैं भी जानती हूँ। देखो मत, बंदूक छीनो और निकलो, जल्दी जाओ। मेरी प्यारी बहना, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी हम जैसी ही हो। और पता है क्या, मुझे कैदियों का ध्यान रखने में बहुत मजा आया। ऐसी बकवास सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो हम लोग निकलते हैं। नहीं, रुक जाओ। शायद मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी। ये लो, मेरी तरफ से एक तोहफा। फिर मिलते हैं बहना। पुलिस को तैनात कर दिया है, वो इसे ढूंढ निकालेंगे। वैसे मिस बेटी, तुम वापस आ गई, इस बात की खुशी है मुझे। लेकिन अगर मैं असली मिस बेटी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई मिस। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, एक लड़की में इतने सारे संस्कार होना आम बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये मिस लूसी है।